स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को प्रिविलेज नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि राहुल ने कल के अपने भाषण में बिना किसी तथ्य आधार और सबूत के पीएम मोदी के खिलाफ आरोप लगाया। ये सदन का और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है। किलोमीटर सड़कें सिर्फ मेरे एक जनपद में बनी है महोदय। पांच गांवों का नाम सुना देती हूं, 50 साल में इन पांच गांवों तक कभी सड़क नहीं पहुंची थी। जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में। मैंने महोदय सुना था हिंदी में, दिया तले अंधेरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज इन सारी हिंदी की जितने भी हमारी प्रोवर्ब्स हैं उनका एक दर्शन मैंने यहां किया है, उनको जवाब देना पड़ेगा। पांच गांव के नाम भी बता देती हूं जहां सड़क ही नहीं पहुंची कभी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रतिदिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर बनाती है। मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महोदय 93,000 घर हमारी सरकार ने बनाकर दिए, मतलब लगभग 4,00,000 लोगों के पास अमेठी में सर पर छत नहीं थी महोदय, जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा। महोदय आज मैं बताना चाहती हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि 55,000 गैस के कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए सरकार द्वारा, अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बनी।